तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। पिछले 7 साल से हमने एक नया आर्थिक पैराडाइम देखा है। एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन, ये एक तरफ डीमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका, क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या, गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। पेट्रोल की प्राइस 71.5 रुपीस 2014 में, आज 101 रुपया, 42% प्राइस इंक्रीज। 57 रुपीस डीजल, 88 रुपीस आज, 55% 55% इंक्रीज।